हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी हल्ला बोल आंदोलन के तहत जालौर मुख्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन एवं रैली निकालकर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम के सह संयोजक एडवोकेट मुकेश राज पुरोहित ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ जालौर में मलकेश्वर मठ मैदान में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली ने कहा कि कांग्रेस सरकार जो वादे कर सत्ता में आई थी उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है और इस सरकार से प्रदेश का सभी वर्ग परेशान हो चुका है। जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर वन्ने सिंह गोयल, नगर अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश सोलंकी, नगर परिषद सभापति गोविंद टाक, महिला मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष मंजू सोलंकी, उप सभापति अम्मालाल व्यास, वरिष्ठ नेता मंगल सिंह सिराना, कार्यक्रम संयोजक परमवीर सिंह भाटी ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन हल्ला बोल कार्यक्रम जिला सह संयोजक गजेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान धूकाराम पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष मेघराज चौधरी, जिला मंत्री सुशीला सेन, नगर महामंत्री व पार्षद दिनेश महावर, नगर महामंत्री अरविंद गर्ग, रतन सुथार, उपाध्यक्ष मैथी देवी, अशोक गुर्जर, मंगला राम सांखला, पूर्व नगर अध्यक्ष ओटाराम सोलंकी, विमला विशोई, जिला परिषद सदस्य प्रवीण माली, गोपाल चौधरी, महेंद्र चौधरी, हरीश राणावत, महेंद्र मुनोत, युवा मोर्चा जिला मंत्री विजय व्यास, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष सुरेश चौधरी, पार्षद राजेंद्र टाक, हीरा राम देवासी, महेश भट्ट, दिनेश बारोट, मदन राज, जोगेश सेन, जसपाल सिंह, पंकज भारती सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।